Pastor Brother Yeti. Yeti. जय श्री महाकाल, जय श्री राम। तो एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष भोले बाबा के एक और गण के साथ। तो ये देखिए, काफी रौद्र रूप में, काफी गुस्से में ये सांप। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि इसको यहीं से निकाल लिया जाए, अदरवाइज नहीं तो बैक साइड अगर चला गया तो पीछे वाले रूम की तरफ दौड़ लगानी पड़ेगी। तो इस वक्त हूँ छपड़ी पे, पुन्नू चौक के साथ लगते मोहल्ले में। ये देखिए, कहीं ना कहीं ये सांप की कोशिश होगी कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। बैड तो काफी विशाल ये सांप, इंडियन ब्लैक कोबरा, जो कि 40 मिनट का समय, न्यूरोटॉक्सिक वेनम इस सांप के अंदर होता है, और 40 मिनट का समय ये सांप इंसान को देता है। होता कुछ नहीं है, इंसान की मृत्यु हो जाती है अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो। देखिए ये हाल फिलहाल यहाँ ये टिक्के बैठे थे, तो जहां इसने अपने आप को छुपाया था, तो अब इसे बाहर निकाला गया है। तो ये काफी गुस्से में है, तो एक परिवार के लिए दहशत का माहौल है। और कहीं ना कहीं ये देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि काले रंग के साथ इसको अटैक कर दिए। ये काले रंग के ऊपर सांप की नजर ज्यादा बढ़ती है, काला रंग सांप को ज्यादा दिखता है। तो मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, ये जैसे पहले आपको कहते हैं कि सांप बीन की धुन पे नाच रहा है, ऐसा कतई नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी ये है कि इन सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो कर लिया जाए। तो क्योंकि उचित है, तो ये काफी विकराल रूप में है। ये कितनी पानी है अपनी उठा रहा है और हमला करने की कोशिश में है। देखिए, इंसान सांप की पहली कोशिश यही होती है कि वो इंसान की नजर से दूर भाग जाए और कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा ले। बट हमारा काम इनका सेफ रेस्क्यू। तो अब हम इसको पैक करने की कोशिश करते हैं। सुंदर और काफी बड़ा ये सांप है। ये तो अब हम इसको पैक करते हैं। आप इसके जिस्से का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अपनी आधी लंबाई के करीब इसने अपने आप को उठा लिया। देख सकते हैं, देखिए इस और इसकी फुफकार सुन लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आसपास चूजे हैं इनके घर पे, तो शायद कहीं ना कहीं इसको जो खाने के लिए आराम से चूजे मिल जाते होंगे, और ये सांप कहीं ना कहीं यहीं पे आसपास अपने आप को छुपा के रखा होगा कि आराम से चूजे खाकर अपना गुजारा जिन्हे वो कर ले।
गुस्से में ये सांप, ये देखिए काफी विशाल का ये सांप है। पकड़ लो। तो धन्यवाद हूँ इस परिवार का भी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। धन्यवाद हूँ आपका है। उधर करो। मैं बर्तन साफ कर रही थी, बहुत डर गई। वो तो आपका हो जो आपने इतना काम किया है, जो तो आपने किया है ना। तो देखिए लड़के को बोला कि उनको बुलाओ, तो हमारा काम देखिए भगवान मेरे इष्ट देव श्री महाकालेश्वर भगवान श्री महाकालेश्वर की कृपा से ये सेवा जो हम कर रहे हैं अपनी तरफ से निस्वार्थ भाव से ये सेवा जो हमारी तरफ से होती है, तो इसके लिए कोई भी चार्जेस जो है वो हम नहीं लेते हैं और ना ही कोई तेल का पैसा हम किसी से लेते हैं। यही है कि इन गणों की जान बचाना जरूरी है, क्योंकि परमपिता परमात्मा द्वारा बनाया गया हर एक जीव जो है वो इस धरती के लिए ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ ये मेरा संदेश वही कि अपने अपने घरों में साफ़ सफाई रखें, ब्लैक फिनाइल का उपयोग करें, बच्चों को अवेयर करें, और देखिए अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आप लोगों को सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे भोले बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।